एक बंदा ना पटियाले रहिंदा हुंदा, वह बड़ा ही गरीब हुंदा, वह फॉरेन कंट्री चले जांदा, उत्थे 10 साल रहिंदा है ते उत्थे काफ़ी पैसे कमा के वापस आ जांदा। तो उहदे च ना पैसे का बड़ा घमंड आ जांदा, तो लोगों नाल जिहड़ी भी गल करदा ना बड़े टॉन्टिंग वेज करदा। इहदे च इह दस्सिया वी उह लोगों नाल गल किस तरह करदा। उहने एक नौकर रखिया हुंदा, उहदा नाम हुंदा सुलेमान। उन्होंने आवाज मारता, वही सुलेमान है, वही सुलेमान, वो गधा जिहा बदलो इत जे कहाँ चली जाता था, मैं तेन बाजा मारी जा रहा था, आया सर सर, ओहो सर सर करके मेरा सर खाई जा रहा था ना, बात सुना, अब तू चल कैसे रहा था, जिदा चाबी दे के खिडौने छड़िया हुंदा, बात सुन, पता हाँ सर का, ओहो मैं तेन बात सुनने को कहा था, तू अपने कान कैसे खड़े कर लेते जैसे कढ़ाई के कंडे होंगे, हैं मुद्दा कर अपना, हाँ सर का, ओ पासे कर क्या क्या गंदी जी बार छी जा रहा था, कोई दंद नहीं साफ करता था अपने, हजूर करता हूँ जी, तो फिर तू ना तिन्ना में से होना, हजूर कौन से तीन, और कोलगेट की मशहूरी नहीं सुनी थी, कोलगेट इस्तेमाल करने से 10 साल में से 7 तक दंद ठीक हो जाते थे, बाकी कितने रह गए, हजूर तीन, तू ना तिन्ना में से था, तेरे दंद नहीं ठीक हो सकते। अच्छा मैं एक बात बता, भी आज डे क्या था, सर डे, ओहो मैं तेन डे पूछ रहा था, तू अपने कॉल रोडे जे कमान लग गया था, है कॉल रोडे देखे थे कैसे थे, कैसे किसी ने गिल्ली कंध पे गोया पुत के दो उंगलां मारिया होंगे बीच में, वो आज डे क्या था, सर आज पहली जनवरी, ओहो पहली जनवरी है, आज न्यू ईयर डे है, जब आज लेटर बॉक्स में देख क्या, कोई कार्ड कूड नहीं आया हमन, वो देख के अंदर कहता सर कोई कार्ड नहीं आया, यहाँ के लोग कैसे थे, मरीज जित बजाई नहीं करते थे, अच्छा इस तरह करो मेरे वलैती कोड की जेब में से 10 का नोट कर लेते, वहां पे जाके कार्ड ले आओ, ओहो वलैती कोड के साथ क्या घोल दिया करी जा रहा था, खरौड़ा जा अपना बाहर कट इधर ले कोड ला, 10 का नोट देना, उन 10 का नोट लेके कार्ड लाइन पे ही देना। इन्ने च एक गुआंढी आदमी जनानी होंदे है, वह आ जाते हैं घर, आदमी बड़ा गुस्से च होंदा, आंदे कहना साहब अपने आप को क्या समझते हैं आप, सारा कूड़ा कट्टर के हमारे बरामदे में गिरा देते हैं, हमारा सारा बरामदा खराब हो जाता है, वो गधिया जी है बदबख्त जी है, तो बात कैसे कर रहे थे मेरे साथ, तेनू गल करने की अकल नहीं थी, हड्डियां तेरिया कीर्तन कर रही थी, रब को चोरी तू सह लेंदा था, मुक्की मार के इकट्ठा कर, तू बाद में खिलता फिरेगा, आप अपने आप को क्या समझते, हम तो अपने आप को बहुत कुछ समझ देते, तू अपने आप को क्या समझता था, ना तू तिन्ना में था ना तू तेरा में था, कहाँ राम राम कहाँ टैट है, तो बोलता छंच का बोल ले छन्नी को बोल ले, मुक्की मार के मैं तेरे चौथी का चौथी दंद बाहर कर दूं, ये कैसे हो सकता, वो कैसे नहीं सकता, बदबख्त बत्ती तेरे तो दो छुड़ान वाले, तेरी रोटी भी नाल ही खड़ी होती, कभी भाई साहब छोड़िए भी जाने भी दीजिए, ओहो भाई साहब कहने की क्या जरूरत थी, वो चले जाते। इन्हें जी को नेबर एक जनानी आ जाती है, अपने वहां जाके शादी करा ली, हाँ जी हमने वहां पे जाके शादी करा ली, बहुत भारी औरत थी माशाल्लाह, इसका क्या मतलब, मतलब क्या होना था जी, आलीशान होटल में हाई क्लास के पांडे मांज दी थे, वो उनका बाप भी बहुत पारी था माशाल्लाह, वो क्या करते थे, करना क्या था जी, 6 फुट लंबा जवान था, दाढ़ी उसने रखी हुई थी, नीली वर्दी पहन के एड्डा झाड़ू लेके जब वो निकलता था बहुत ही स्मार्ट लगता था माशाल्लाह, इतनी अच्छी अच्छी शादी कर ली, वहाँ भी क्या और थोड़ा होती है बत्ता करने लग जाते थे, वहाँ के लोग की नहीं हिंदा क्या बत्ता माइंड कराया करते, माइंड ही नहीं था, माइंड क्या करना, कार्ड लेके आए वो गधिया जी, बताओ तुझे कहाँ चले गया था, मैं तेरी वेट करी जा रहा था, सर 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 मेरी रास्ते में लूना से टक्कर हो गई, वो हो लूना जो सड़क पे ऐसे दौड़ती जैसे बकरी को मोटर लगी हो, कहाँ से क्या, वो बताओ अपना हुलिया क्या बनाया हुआ था, है अपने बाल देख, है जैसे उजड़ा हुआ गुलशन रोता हुआ माली हुंदा, है नक देखो ब्रत का, है जैसे होमगार्डियाँ की सिटी होती है, कलमा को ऐसियाँ रखिया हुई थी, है जिदा कन्ना से जराबा टंगिया हुई, गुलशन देख दो और मुछा तेरिया 10-10 बजा रही थी, इन्हों 8-20 करके रखा कर, लॉकर नहीं अच्छा मुछा रखा करते, दंद देख बुजुर्ग अपने, बालकोनिया के सीटा ही टूटिया हुई, दाढ़ी देख फ्रेंच कट दाढ़ी तू रखी हुई थी, है इदा लग कूनी के साग लगा हो, गर्दन देख अपनी जैसे स्प्रिंग का बाबा हो,
रंग तेरा ऐसा काला था, उत्तों तू लाल कमीज पाई हुई थी, है इदा लग लुक को अग लगी होगी, पैरों में तू चूड़ीदार पजामा पाया हुआ था, इदा लग रहा था चांद नाल किसी के हफ्ते की जेब में पई होंगी है, साथ में तलवार टंगी हुई थी, है इदा लगता था मझ किला पटाक भजी होंगी है, दोस्तों तेरा क्या बोल रहा। सरसा ने अब कार्ड लिया, दोस्त कार्ड लिया है इन्होंने नाम लिख रेशमा रूना लैला आसिफ इकबाल अमजद खान सारी आप कर क्या रहे हैं, वो करना क्या था बुद्वत, इन्हें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के नाम हम इन्हें कार्ड आते लिख के हम बैठक में सजावांगे ताकि आने वाले लोगों को पता लगे भी हमारी भी कोई इज्जत में जाई थी, हम भी कुछ सुन रहे थे, है?